हेलो एवरीवान दिस इज डॉक्टर सेम पी एम सी वालों की जानब से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है अबाउट द स्ट्रक्चर वेटेज एंड डिफिकल्टी लेवल ऑफ डिफरेंट एम सी क्यूज तो ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा द फर्स्ट थिंग इज द स्ट्रक्चर सो द फर्स्ट थिंग इज द स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में आप लोगों के पास टोटल जो है टोटल नंबर ऑफ एम सी क्यूज जो है वो दो सौ एम सी क्यूज़ हैं ठीक हो गया इसके अलावा जो है आप लोग के पास दो सौ एम सी क्यूज़ के लिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो है वो थ्री पॉइंट फाइव आवर्स है थ्री पॉइंट फाइव आवर्स में आप लोगों ने दो सौ एम सी क्यूज़ करने हैं जो फार्मेट है वो तो आप लोग को पता है जिस तरह लास्ट ईयर तक कंप्यूटर बेस्ड एम सी क्यूज़ होंगे मिनिमम पार्क मार्क्स जो है मिनिमम पासिंग स्कोर जो है फॉर मेडिकल कॉलेज जो वो सिक्सटी फाइव परसेंट है लेकिन जो डेंटल कॉलेज है उसके लिए जो है तकरीबन 55 परसेंट रखा गया है अगर आप एम में एडमिशन करना चाहते हैं प्राइवेट तो प्राइवेट अक्सर पासिंग मार्क्स पे एडमिशन मिल जाती है तो उसके लिए भी आपको जो है कम से कम 65 फाइव परसेंट एम के लिए और 55 परसेंट जो है वो आप लोगों को बी के लिए लेना लाजमी है और नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें नहीं है ठीक हो गया अच्छा जी द सेकेंड थिंग इज वेटेज तो वेटेज के हिसाब से बायो के 34 फोर परसेंट एम सी क्यूज़ है थर्टी परसेंट अगर हम 200 में से निकालेंगे तो 68 एट एम सी क्यूज़ आप लोग के पास बायो के होंगे ठीक है केमिस्ट्री का 27 सेवन परसेंट है तो इस हिसाब से हमारे पास 54 फोर एम सी क्यूज़ जो है वो केमिस्ट्री के होंगे फिजिक्स के 27 परसेंट के हिसाब से हमारे पास टेस्ट में 200 में से 54 फोर एम सी क्यूज़ आप लोगों ने फेस करने हैं तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के सेम है ठीक है अब इंग्लिश का जो है नाइन वेटेज रखा गया है जिसके हिसाब से एटीन एम सी क्यूज आते हैं और लॉजिकल रीजनिंग जो है उसके आप लोगों ने थ्री परसेंट एम सी क्यूज फेस करने हैं जो कि सिक्स एम सी क्यूज़ हमारे पास आती है तो सिक्स एम सी क्यूज लॉजिकल रीजनिंग के अठारह जो है इंग्लिश के फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर केमिस्ट्री फिजिक्स और सिक्सटी एट बायलॉजी के हैं टोटल नंबर ऑफ एम सी क्यूज दो सौ हैं ठीक हो गया और परसेंटेज के हिसाब से उन्होंने सौ रखा है तो ठीक हो गया यहाँ तक अच्छा जी अब डिफिकल्टी लेवल जो है वो 20 परसेंट एम जो है वो इजी होंगे 60 परसेंट मॉडरेट होंगे और 20 परसेंट जो है वो हार्ड होंगे ठीक है तो इस हिसाब से आप लोगों ने तैयारी करनी है लेकिन आप लोगों ने असल कंपटीशन जो है वो हार्ड एम का एक इजी और मॉडरेट तो सबको आते हैं लेकिन असल चीज़ जो है वो हार्ड एम है ठीक है उसके अलावा लास्ट में एक नोटिफिकेशन है कि इन बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स सेक्शन सेवेंटी परसेंट एम विल बी रिकॉल एंड 30 परसेंट विल बी एप्लीकेशन लेवल तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिकॉल का मतलब ये कि आप पास्ट पेपर में से सारे के सारे के 70 आएंगे रिकॉल का मतलब ये होता है कि आप लोगों की बुक के जो स्टेटमेंट्स हैं उस हिसाब से बिल्कुल जो जिसको हम सीधा साधा एमसी कहते हैं ना बुक से उठाए हुए स्पेशली बायो केस ही आते हैं रिकॉल वाले सेवनटी ठीक है तो वो बुक आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरह देखना है क्योंकि सेवेंटी परसेंट रिकॉल है बुक में से लाइन उठा के वो दे देते हैं और थर्टी परसेंट वो कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन है होपफुली यू गाट पॉइंट के रिकाल का मतलब जो है वो तकरीबन बुक से उठाई हुई क्वेश्चन होती है और थर्टी परसेंट जो वो है वो एप्लीकेशन यानी कि कॉन्सेप्चुअल होते हैं जो मुश्किल होते हैं एक्चुअली अगर आप लोग देखेंगे ना हार्ड एमसीक्यूज क्यूज तो ट्वेंटी परसेंट हार्ड एमसीक्यूज क्यूज होते हैं तो हार्ड एमसीक्यूज क्यूज एक्चुअली जो एप्लीकेशन लेवल के एम सी क्यूज होते हैं वो होते हैं सो so, आप लोगों ने जो है अपनी तैयारी अभी तक जो पीएमसी है तो स्टिल वो एग्जिस्ट कर रहा है तो जब तक कि हमारे पास कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती पीएमडीसी की तो तब तक हम जो है इसके हिसाब से ही जाएंगे ठीक है आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है तैयारी करनी है मेहनत करनी है उसी तरह आप लोगों को मैं गाइड करता रहा हूँ टाइम टाइम के साथ बिल्कुल पी के मुताबिक आप अपनी तैयारी करें अगर पी आ जाता है तो ऐसा नहीं पॉसिबल कि वो दस दिन के अंदर जो आप लोग के ऊपर पूरा कोर्स लागू करेंगे और दस दिन में आप लोग उसे पूरा एग्ज़ाम लेंगे वो भी जो है पी के पेटर्न को फॉलो करते हुए आपसे टेस्ट देंगे सो डोंट वरी अबाउट दैट बी पॉजिटिव स्टे स्ट्रांग सो दिस इज ऑल अबाउट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन तो बस यही सारी बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया स्ट्रक्चर वेटेज डिफिकल्टी लेवल और साथ में जो है एक इम्पॉर्टेंट रिकॉल वाला क्वेश्चन था आ, इसके अलावा जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स सिलेबस का पूछ रहे कि क्या फॉलो करें या कौन सा बोर्ड फॉलो करें तो मैं तो स्टिल वही कह रहा हूँ कि आप लोग जो है सबसे पहले आप लोग का अपना प्रोवेंशल कोर्स जो है उसके ऊपर गिरफ्तार आप लोग का होना चाहिए होल्ड होना चाहिए वो मस्ट होता है ठीक है अगर पीएमडीसी आ जाता है अगर प्रोविंशियल लागू कर भी देता है तो आप लोग को अपना प्रोविंशियल जो कोर्स है वो आना चाहिए इसके बाद जो है आप लोगों ने वैसी भी तैयारी की होगी जो काबिल स्टूडेंट है ऑलरेडी उन्होंने फोकस किया हुआ है उन्होंने जो है फेडरल और पंजाब जो है साथ, साथ में पढ़ा हुआ है और जो फेडरल और पंजाब जो दूसरे बोर्ड्स के बुक है वो स्पेशली बायो में इंपॉर्टेंट होते हैं ना कि दूसरे सब्जेक्ट्स में फिज़िक्स और केमिस्ट्री केमिस्ट्री दो पेर भी इंपॉर्टेंट है फिज़िक्स जहाँ से भी हो एम प्रैक्टिस करें